दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हिटमैन के तूफान में उड़ा इंग्लैंड, बिगड़ती हुई टीम इंडिया को संभाल कर रोहित ने जब अपना तूफानी शतक ठोका तो उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की मुरीद तो दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज हो गए। यहाँ तक कि अब उन्होंने रोहित शर्मा के बल्लेबाजी पर जो दिल छू लेने वाले बयान दिए हैं उनकी बातों ने तो सच में हर किसी के दिल में रोहित के लिए इज्जत कई गुना बढ़ा दी है। तो आखिर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर सचिन तेंदुलकर, पीटरसन से लेकर ब्रेंडन मैक्यूलम, यहाँ तक कि अख्तर और धोनी जैसे दिग्गजों ने भी कैसे रोहित को ठोका सलाम, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और मैक्यूलम में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले दो टेस्ट मैचों में रोहित का बल्ला कुछ खास नहीं बोला, इसके बाद तो इंग्लिश टीम उन्हें हल्के में लेने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब रोहित का बल्ला चलता है तब वो बड़ी से बड़ी टीमों को अपने सामने घुटनों पर ला देते हैं। आज वही ऐतिहासिक दिन था जब रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से वो कर दिखाया, जिसके बाद तो एक बार फिर पूरी दुनिया हिटमैन के आगे सजदा करने को मजबूर हो गई। जी हाँ, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो पहले उन पर ही भारी पड़ा। केवल 33 रनों पर हमने गिल और यशस्वी जैसे तीन बल्लेबाजों को खो दिया था, हम मुसीबत में थे, इंग्लैंड का घमंड तो सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन यहां से शुरू हुआ हिटमैन का तूफान, इसके आगे इंग्लिश टीम सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ गई। अपने बेस्ट फ्रेंड सर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी जुझारू बल्लेबाजी करनी शुरू की कि पहले 50 तो फिर देखते देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। भारतीय टीम को अपने विस्फोटक बल्लेबाज से पहले 150 तो फिर 200 रनों के पास पहुंचाकर खुद केवल 71 गेंद पर अर्धशतक ठोका तो फिर चौका जड़कर सीधा छक्कों से डील करते हुए ऐसा कोहराम मचाया कि बहुत जल्द रोहित शर्मा अपने शतक के आंकड़े को पार कर चुके थे। आखिरकार लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और हिटमैन ने अपने बल्ले से तूफानी शतक ठोक फिर साबित कर दिया कि क्यों वो दुनिया सबसे महान ओपनर खिलाड़ी हैं। उनके तूफानी शतक की मुरीद तो पूरी दुनिया हो चुकी है, यहां तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े-बड़े क्रिकेट दिग्गज भी रोहित को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाए। सबसे पहले तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट सेंचुरी, दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बोलती है, लेकिन क्रिकेट के असली बॉस तो रोहित शर्मा है। जब उनका बल्ला चलता है तब मैं भी केवल देखते रह जाता हूँ। सल्यूट है रोहित आपको, मुझे लगता है कि जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे मेरा कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, आप सिर्फ कमाल के हैं। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यदि पावर, क्लास और अग्रेसिव इंटेंट का कोई कॉम्बिनेशन दुनिया में मौजूद है तो वो केवल रोहित शर्मा है। हर एक खूबी उनमें है जो उन्हें दुनिया का महानतम बल्लेबाज बनाती है। यह शतक उनका एक छोटा सा नमूना है। बहुत अच्छे रोहित, हमें अपने कप्तान पर गर्व है। वेल प्लेड, आपकी ये पारी करोड़ों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी रोहित शर्मा को सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शब्द माशाल्लाह, जब रोहित खेलता है तब तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज आ जाए वो किसी को नहीं बख्शता। उसका यही अंदाज तो देखने के लिए है, इतने समय से बेकरार था। उस वक्त रोहित ने यह पारी खेली है जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही तो रोहित की खूबी है, वो आपसे अकेले ही मैच छीन कर ले जाता है। वो एक असली मैच विनर है। उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैक्यूलम भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि मैच पूरी तरह से हमारे हक में था, लेकिन मुझे पता था जब तक रोहित मैदान में है हम ये मैच अपनी झोली में नहीं डाल सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर रोहित का था और उसे रोहित की हकीकत में बदल दिया। यदि वो नहीं होता तो हम पहले दिन ही टीम इंडिया को 100 रनों से पहले ऑल आउट कर आसानी से ये टेस्ट मैच जीत लेते। उसने हमें आउटस्टाइन कर दिया, वो दुनिया का बेस्ट ओपनर है। तो उनके अलावा इंग्लैंड के एक और दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि यदि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि रोहित से बेहतर बल्लेबाज वर्तमान क्रिकेट में मौजूद है। रोहित में हर वो खूबी है जो आपको एक महान क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए। वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जब वो छक्का मारता है तब हर कोई केवल देखते रह जाता है। उसकी ये पारी टॉप क्लास थी, इसके लिए केवल मेरा सल्यूट है उन्हें, वेल डन रोहित। तो वहीं महान भारत के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि रोहित शर्मा टैलेंट की खदान है। यदि आपको बैटिंग सीखना है तो आप रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का नमूना उठाइए, उससे खूबसूरत चीज क्रिकेट में है ही नहीं। बहुत अच्छे रोहित, पूरे हिंदुस्तान को आप पर नाज है। यदि आप नहीं होते तो हो सकता है कि हमारी टीम दिन के पहले दो सेशन में ही ऑल आउट हो गई होती। बहुत खूब। जी हाँ दोस्तों, इन सभी दिग्गजों ने तो रोहित की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़ डाले। जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी कह गए, जस्ट वाओ, मेरे पास शब्द नहीं है रोहित की बैटिंग की तारीफ करने के लिए। मेरा अभी भी मानना है कि दुनिया में रोहित से बेहतरीन क्लासी बल्लेबाज नहीं है। तो दोस्तों इन सभी दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन भारत का सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद आया कप्तान रोहित शर्मा का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पहले ही सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज परेशान हुए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पलटवार करते हुए वापसी कर मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के बाद
रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचाते हुए वापसी का बिगुल बजाया है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे ही, साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा में कौन है खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज राजकोट के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम में चार बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां पर श्रेयस अय्यर को चोट के चलते बाहर किया गया। इसके अलावा श्रीकर भरत, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को आराम देते हुए सरफराज खान, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका दिया गया है। इस दौरान सरफराज खान, ध्रुव जुरैल को पदार्पण करने का मौका मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ से इंग्लैंड की टीम ने शोएब वसीर को बाहर का रास्ता दिखाकर मार्क वुड को शामिल किया गया है। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जिनसे मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। इस दौरान मेहमान टीम इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जेम्स एंडरसन ने की, जिनके सामने पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ बेहतरीन चौका लगाते हुए अपना और अपनी टीम का खाता शानदार तरीके से खोला और अगली गेंद पर एक रन लेने के साथ स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दे दी। हालांकि जेम्स एंडरसन के सामने रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन पहले ओवर में नो बॉल के साथ ओवर में 6 रन आ गए और भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत मिली, जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने मार्क वुड आए। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने एक रन के साथ गेंदबाज का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने इस ओवर की तीसरी और अपनी सातवीं गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता शाही अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी खेलने को मिलेगी और इसी ओवर के अंदर 7 रन आ गए। वहीं तीसरे ओवर में एक बार फिर से जेम्स एंडरसन गेंदबाजी के लिए आए। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका लगाते हुए ओवर के अंदर 4 रन बटोर लिए। दूसरी तरफ से गेंदबाज मार्क वुड के सामने रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में एक और चौका लगाया, लेकिन इस बीच 22 रन के स्कोर पर चौथे ओवर में मार्क वुड ने भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर गेंदबाजी करते हुए मार्क वुड ने भारतीय टीम को पहला और बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में मौजूद जो रूट के हाथों बल्ले से भारी किनारे लगने के कारण कैच आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल 10 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन में लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए। इस दौरान गेंदबाज एंडरसन ने इन्हें परेशान किया। हालांकि थोड़ी देर तक शुभमन गिल ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अपना खाता खोलने में असमर्थ रहे और आखिरकार 6 ओवर में मार्क वुड की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए। इस दौरान उनकी बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ले से हल्का सा किनारा लगने के कारण विकेट कीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान शुभमन गिल ने 9 गेंद पर बिना खाता खोले अपना विकेट दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने रजत पाटीदार मैदान पर आ गए। हालांकि 24 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार के ऊपर बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी आ गई, जिसके चलते रजत पाटीदार ने 8 ओवर के अंदर अपना 8वीं गेंद पर 1 रन के साथ खाता खोला और इसी ओवर के अंदर एक बेहतरीन चौका लगाते हुए बाउंड्री की शुरुआत की, लेकिन उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को किसी की नजर लग गई और 9 ओवर के अंदर कप्तान बेन स्टोक्स ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिन गेंदबाज टॉम हटली को बुला लिया, जिनके सामने रजत पाटीदार काफी ज्यादा परेशान होकर पवेलियन पर लौट गए। इस दौरान रजत पाटीदार, हवम गेंद कुमार बैठे और बेंडा कैत के हाथों से कैच आउट हो गए। इस दौरान रजत पाटीदार 15 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और 33 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए, जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने अपनी चौथी गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसको देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले सत्र के अंदर बना देगी। वहीं इंग्लैंड की टीम रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा को आउट करते हुए पहले सत्र में 5 विकेट लेने का प्रयास करेगी 70 रन पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले दिन की समाप्ति तक कितने रन का स्कोर बना पाएगी, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सरफराज खान के डेब्यू पर रो पड़े उनके पिता नौशाद खान, तो बीवी ने किया डेब्यू कैप को कैसे, तो फिर क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के अंदर सरफराज खान को पदार्पण करने का मौका मिला है, जिसको देखकर उनके पिता रो पड़े हैं। साथ में उनकी बीवी भी काफी ज्यादा खुश हो गई, जिसको देखकर अब पाकिस्तान के दिग्गज ने बयान जारी किया है। इस बीच वसीम अकरम, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर, सईद अफरीदी ने एक ऐसा बयान सरफराज खान को लेकर जारी कर दिया, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार सरफराज खान के पदार्पण पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा है, तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से चार बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां पर विकेट कीपर ध्रुव और बल्लेबाज सरफराज खान को पदार्पण करने का मौका मिला। ऐसे में अब सरफराज खान के पदार्पण को देखकर हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि सरफराज खान लंबे समय से टीम में जगह बना रहे थे। इस दौरान उनका कैप अनिल कुंबले के द्वारा दी गई, जिसके बाद उनके पिता रो पड़े और उनकी बीवी ने पदार्पण कैप को किस किया, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि सरफराज खान का पदार्पण होता देख मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने काफी लंबे समय तक सरफराज खान को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार उनका पता चल गया और ये खिलाड़ी किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से सरफराज खान के खेलने पर उनका परिवार भावुक हो गया, सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, हम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसा खिलाड़ी जिसने घरेलू क्रिकेट में तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं उसकी टीम के अंदर मौका मिलना चाहिए, जो आज भारतीय क्रिकेट ने करके दिखा दिया है और एक होनहार खिलाड़ी को मौका दिया है। वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि सरफराज खान ने इस मैच के अंदर अपना पदार्पण किया है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ,
क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि यह बड़ा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए जल्द से जल्द खेलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास में वो काबिलियत मौजूद है जो भारतीय टीम की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि उनके पदार्पण करने पर उनके पिता काफी ज्यादा भावुक हो गए और रो पड़े, लेकिन जिस प्रकार से उनके पिता रो पड़े वह दर्शाता है कि इस खिलाड़ी ने कितना ज्यादा संघर्ष किया और इस मैच के अंदर उनका संघर्ष पूरा हो चुका है, जिसके चलते उनका भारतीय टीम के अंदर खेलने का मौका भी आज मिल गया है।